हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, आज डायनामिक्स का असं नैक्सट चैप्टर शुरू कर जा रहे हैं, विच इज़ वर्क पावर एनर्जी। इस तो पहला असी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आए हैं। अज के लैक्चर सब तो पहला असी डेफिनेशन समझांगे वर्क की, उस तो बाद असी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करांगे। तो सब तो पहला आप डेफिनेशन समझिए वर्क की की आ। वर्क द वर्क डन बाय अ फोर्स is equal to product of force and the displacement of its point of application in the direction of force। ये है साड़ी डेफिनेशन। फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट उसी की कहने हैं वर्क डन। इनू डायग्राम की हद तक समझो। सपोज करो बॉडी एट प्रेजेंट ए पॉइंट पर सी, ए पोजिशन पर सी, असी कुछ डिस्टेंस मूव किया, एक फोर्स लगाई, एक फोर्स लगा के असी खिंच रहे हैं, फोर्स लगा के असी ए तो बी ते लै गए। तो फोर्स भी किस डायरेक्शन के बच्चे आ, जिस डायरेक्शन के अलोंग बॉडी मूव करती पई आ, बॉडी भी ए टू बी वल जा रही आ, तो डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी सेम आ। सो इन दैट केस ये जी मैं डिस्टेंस एस सपोज कर ला, फोर्स एफ अप्लाई हो रही आ, सो इस केस विच वर्क डन फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट। नैक्सट केस वैन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ मेकिंग सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ कि डायरेक्शन जिस डायरेक्शन के बॉडी मूव करती पई है। बॉडी ने मूव तो इस तरीके करना, बॉडी ने तो इस पाथ के अलोंग मूव करना, बॉडी मूव करती पई है इस पाथ के अलोंग, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस तरीके आ एफ है, विच इज मेकिंग एंगल थीटा। सो लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स था वो मेकिंग एंगल थीटा, तो जो बॉडी मूव करती पई है फ्रॉम ए टू बी, इन्हां दे विच एंगल थीटा। सो इस केस दे विच एफ दा रिजॉल्व पार्ट की आना एफ कॉस थीटा। जे दे परपेंडिकुलर देखिए तो वह रिजॉल्व पार्ट आना सी एफ दे, उहदा रिजॉल्व पार्ट आना सी एफ साइन थीटा, तो जिधर एंगल होवे उधर असीं लगांदे आ एफ कॉस थीटा। सो उसनों असी रिजॉल्व कर लिया इस डायरेक्शन के, असी डायरेक्शन के एफ कॉस थीटा रिजॉल्व पार्ट लै आए। सो एफ कॉस थीटा इन टू डिसप्लेसमेंट, हम साड़ी फोर्स की है तो एफ कॉस थीटा होगी। सो एफ कॉस थीटा इन टू एस। सो इन वो केस जदों फोर्स कोई एंगल बनाती हो साड़ी डायरेक्शन के नाल, उस केस में असी फार्मूला लगावेंगे एफ एस कॉस थीटा। इस फार्मूले तो ये फार्मूला ड्राइव होया वैन थीटा जीरो, वैन थीटा जीरो कहने का मीनिंग आ फोर्स भी का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, जिदा असी डायग्राम से बनाया। इस केस में की सी थीटा जीरो, जो थीटा जीरो आ मेरे को उस विच कॉस थीटा की हो जाना मेरे को वन। सो वर्क डन हो जाना फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट, ये मैक्सीमम वर्क डन होएगा, ये होएगा मैक्सीमम वर्क डन नाल दी नाल विच इज पॉजिटिव। नैक्सट इदा भी हो सकता कि थीटा 180 भी हो सकता, वैन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट ओपोजिट हो जाए, उस केस में एंगल 180 भी हो सकता। वो असं क्वेश्चन करा भी फिर तुम क्लीयर हो जाएगा। इस केस में वर्क डन की आना फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट कॉस 180 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस वन, सो इस केस में वर्क डन हो जाएगा माइनस फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट विच इज नैगेटिव एंड विच इज मिनिमम वर्क डन। इफ थीटा, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर, दैन थीटा 90। इफ थीटा 90, हम तुम पता जो थीटा 90 आ तो कॉस 90 जीरो। सो उस केस में वर्क डन होएगा कॉस 90 जीरो होने करके जीरो। सो परपेंडिकुलर कोई वर्क डन नहीं होएगा। देखो असी बॉडी मूव तो इधर करना, इनू असी इस पोजिशन पर लैके जाना सपोज करो, तो फोर्स असी उपर ला रहे परपेंडिकुलर ला रहे हैं, सो बॉडी की मूवमेंट तो होनी नहीं इस, सो वर्क डन होएगा जीरो, वर्क डन सेट टू बी जीरो। दैन नैक्सट वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रैविटी, जो फोर्स साढ़े को होएगी ग्रैविटी,
उस केस विच वैन द बॉडी फॉल्स डाउन जदों नीचे आ रही है वर्टिकल थ्रू हाइट वर्टिकली थ्रू हाइट एच एच हाइट है कहने का मीनिंग है डिस्टेंस एच आ तो फोर्स होंगी साढ़े को एम जी फोर्स होंगी साढ़े को मास इनटू एक्सलरेशन जिमें असी दस चुके हैं इस केस में वर्टिकली असी डाउनवर्ड आ रहे हैं डाउन आ रहे हैं जो डाउन आते हुए तो एफ की वैल्यू मेरे को होएगी जी सो फोर्स हो जानी मेरे को एम जी फोर्स मेरे को कितनी हो जानी मास इनटू एक्सलरेशन एम जी तो डिस्टेंस मेरे को मास इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज एस सो वो हो गया एच एदा ही इन द सेम वे वैन द बॉडी राइजेज अप वर्टिकली थ्रू हाइट एच जो असी अपवर्ड जावे जो असी अपवर्ड मूव करना जो असी अपवर्ड मूव करते होवे उस केस में एक्सलरेशन होएगी माइनस जी सो फोर्स हो जानी है मास इनटू एक्सलरेशन विच इज माइनस जी सो वर्क डन कितना हो जाएगा उस केस में फोर्स विच इज माइनस एम जी इनटू डिस्प्लेसमेंट एच सो माइनस एम जी एच इसी वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड मूव करना माइनस एम जी एच नीचे मूव करते पे हैं एम जी एच हूँ असी नैक्सट डेफिनेशन पढ़ा हाँ जी आप नैक्सट डेफिनेशन देखिए दैन फोर्स इज वेरिएबल दैन की करा असं कि पहले समाल वर्क डन फाइंड करा सपोज करो असी पोजिशन ए टू पोजिशन बी जाना असी इस ए पोजिशन तो इस बी पोजिशन पर जाना की करा असी समॉल पार्ट्स डिवाइड कर लाँगे एक समॉल वर्क डन फाइंड करा छोटे जे पोर्शन के लिए सपोज करो कि वो जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है सो वो साढ़े को वर्क डन आ जाएगा समॉल वर्क डन समॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिनोटेड बाय डेल्टा डब्ल्यू वो फाइंड करा एफ डॉट डेल्टा एक्स इज स्मॉल डिस्टेंस दैन टोटल वर्क डन फ्रॉम पोजिशन ए टू बी एफ डी एक्स इस फार्मूला अप्लाई करा उस तो बाद वर्क डन इन केस ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग वर्क डन इन स्ट्रैचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग जिदा कि तुम पता इलास्टिक स्ट्रिंग सपोज करो वो लेंथ इन्नी है उन्होंने असं खिंचा लंबी हो जानी है किन्नी लंबी होई उन्होंने असं कहने एक्सटेंशन इन हम समझने की कोशिश करनी है तुम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो हाँ जी सपोज करो ये मेरे को नैचुरल लेंथ है एन सपोज करो ये की है एन नैचुरल लेंथ है ये मेरे को नैचुरल लेंथ है इलास्टिक स्ट्रिंग है वह लंबी हो सकती है थोड़ा जहा असी होर खिंचया तो वो जी लेंथ है वह इनक्रीज होगी सपोज करो इन्नी होगी इतों तक सी नैचुरल लेंथ इन्नी एक्सटेंड होगी एक्सटेंड किन्नी होगी सपोज करो एक्स होगी इस एक्स में असं की कहने एक्सटेंशन इन असं की बोलते हैं एक्सटेंशन वो एक्स है वो की है एक्स एल मेरे को एल मेरे को नैचुरल लेंथ नैचुरल लेंथ एक्स की हों एक्सटेंशन सो एक चीज़ होर तुम्हें सीखनी है कोई इलास्टिक हों थोड़ा हल्का हों लाइट हों कुछ जो काफ़ी वो इलास्टिसिटी होंगी है इलास्टिक टू इलास्टिक डिपेंड करता कि वो इलास्टिसिटी कि इलास्टिसिटी मीनस खिच कि फोर्स लगानी पैंती है खिंचन के लिए उन्होंने असं डिनोट करते हैं लैंडा के नाम लैंडा उन्होंने कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैंडा की होंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कि किन्नी खिच आ किन्नी तड़ आ उस इलास्टिक कि टाइट आ जा कि लूज आ वो लैंडा दसेगा उस कहें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हूँ एक ये नैचुरल लेंथ है जो उस स्ट्रिंग की वो कोई टेंशन नहीं होनी जो असं उन्होंने खिंचा तो वो एक खिच पैदा होनी है असं सपोज करो कि खिंच के इन्ना लंबा कर लिया वो एक टेंशन वो होएगी क्योंकि असं इदा खिंच रहे हैं तो ओपोजिट डायरेक्शन एक टेंशन आएगी साढ़े को
की रिलेशन है इन सारे दे विच पी लैम्डा एक्स ओवर एल आई एक रिलेशन भी याद रखना टेंशन किमें फाइंड करनी कि किन्नी टेंशन होएगी लैम्डा विच इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्स विच इज एक्सटेंशन किन्ना वाधा होया उस स्ट्रिंग विच इलास्टिक स्ट्रिंग विच एल की है मेरे को नैचुरल लेंथ है तो एक साढ़े को फार्मूला इन हुक्स लॉ भी कहते हैं टी लैम्डा एक्स ओवर एल एक्स की है एक्सटेंशन हुण वर्क डन इन स्ट्रैचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग उस इलास्टिक सपोज करो लेंथ इन्नी सी मैं उन्होंने खिंचया उदी खिच के उदी जड़ी लेंथ है वड्डी कर दी हुण वर्क किन्ना कीता मैं जदों मैं खिंचया मैं वर्क किन्ना कीता वर्क डन डिफाइन करना इन स्ट्रैचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग वर्क डन किन्ना होएगा उसका फार्मूला की है वन बाय टू इनिशियल टेंशन प्लस फाइनल टेंशन इन टू एक्सटेंशन पर जे तो पहले तुम खिंचे नहीं होएगा उस केस में इनिशियल टेंशन तो होनी नहीं जीरो होएगी उस टेंशन होएगी नहीं जीरो होएगी तो जो तुम खिंच लिया बाद फिर कि हुई असं फाइंड करके तो पुट करा इन टू एक्सटेंशन ये आर्टिकल का जल्द आ वो असं एक्सरसाइज करने तो बाद ये आर्टिकल सॉल्व करा इन प्रूव करा बहुत ही इंपोर्टेंट आ इस तो बाद हम मैं डिस्कस करूँगा यूनिट की है वर्क डन दे यूनिट की आ वो असं डिस्कस कर दें यूनिट ऑफ वर्क डन सब तो पहला एम की एस सिस्टम देखते हैं यूनिट की है फिर असं देखा सी वी एस सिस्टम के हम असं डिस्कस करा यूनिट ऑफ वर्क डन हम असं ये पढ़ लिया कि वर्क डन है मेरे को फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एट विच फोर्स इज एक्टिव सो फोर्स असी रहने न्यूटन न्यूटन एमिकेयर सिस्टम के एंड डिस्टेंस असी रहने मीटर के एमिकेयर सिस्टम के सो न्यूटन मीटर वर्क डन के यूनिट हो गए यदा एक दूसरा नाम आ जा असं कह दें जोड़ सो वन न्यूटन मीटर कहना मीनिंग है जो वन न्यूटन मीटर आदि को होंगे जोड़ यह सी फस्ट एम के सिस्टम जो सी जी एस सिस्टम के देखिए वर्क डन की होंगे साढ़े को फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट तो फोर्स असं उ लेने डाइन के सपोज करो वन डाइन है तो डिस्टेंस साढ़ा सेंटीमीटर के सो डाइन सेंटीमीटर यूनिट हो गए वर्क डन के सी जी एस सिस्टम के इनू असं कहने अर्ग इनू की असं कहने अर्ग एक अर्ग बनेगा जो असं वन डाइन फोर्स लईए वन सेंटीमीटर डिस्टेंस लईए तो वह बन जाएगा वन अर्ग एक इन रिलेशन आ जूल तो अर्ग में वन जाऊ रिलेशन की है दोवे के रिलेशन की रिलेशन आ वन जूल इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर सैवन अर्ग ये साड़ा एक रिलेशन आ जूल तो अर्ग के जोड़े यूनिट आ वो अपने माइंड रखने जिन्होंने पहले चैप्टर कर लिया न्यूटन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आनी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी बड़े ईजीली कर लेंगे हम असी एक्सरसाइज वाल अगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज का असं हम फस्ट क्वेश्चन करांगे हाँ जी एट्थ चैप्टर उदी एक्सरसाइज एट एट से शुरू कर जा रहे हैं अ मोटर कार वेइंग 20 क्विंटल ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सैकेंड इज अलाउड टू रेस्ट इन 20 मीटर बाय ब्रेक्स फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ब्रेक्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सब तो पहला सू की गिवन आ मास गिवन है मास कि गिवन आ 20 क्विंटल मास गिवन आ तुम पता कि 1 क्विंटल 100 kg के इक्वल हों सो की करोगे 20 नू 100 ना मल्टीप्लाई करोगे तो ता जो मास आ के जी वि आ जाएगा मास हो गया के जी वि सो उस तो बाद ट्रैवल किन्ने करता पाया उसकी इनिशियल वेलोसिटी
ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਦਾਊਟ ਟੂ ਰੈਸਟ ਫਾਈਨਲ ਵਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ 25 ਮੀਟਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਵਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਸੀ ਨਾ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਵਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ 20 ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਲੋਸਿਟੀ ਕਰਤੀ 0 ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 25 ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਜੇ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਆ 25 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੇਨ ਵਰਕ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਕੰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਟੂ ਐਫ ਐਸ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਮੀਨਸ 0 ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਮੀਨਸ 20 ਸਕੇਅਰ 400 ਪਲੱਸ 2 ਐਫ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਸੋ 50 ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 400 ਸੋ ਐਫ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ 400 ਅਪੋਨ 50 ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲੋਸਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 20 ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਜੀਰੋ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 20 ਨਹੀਂ ਸੀ 15 ਸੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਟ 15 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 20 ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੋ 15 ਅਤੇ 25 ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ 15 ਸਕੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 225 ਸੋ 225 ਅਪੋਨ 225 ਅਪੋਨ 50 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5 'ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ ਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ 20 ਇੰਟੂ 100 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇ ਜੀ ਸੋ ਮਾਈਨਸ 225 ਅਪੋਨ 50 ਸੋ 10 ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਉ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਉ 40 ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 40 ਇੰਟੂ 225 ਇਹ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹ ਆਏਗੀ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਈ ਫੋਰਸ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ 40 ਇੰਟੂ 225 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ
4 से मेरे को माइनस 40 इंटू 225 एंड डिस्टेंस 25 मल्टीप्लाई करो, ये आ गया माइनस 1000 इंटू 225 दैट इज, ये आ गया मेरा आंसर न्यूटन मीटर, जहाँ कह लो 220, हाँ जी ये आ गया जाओ जोल जा गया। जे तुसी इनू के जी च कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जी दे नाल डिवाइड कर दो। हाँ जी एक चीज़ है मैं ये लिखा जो वर्क डन, मैं लिखा वर्क डन जो ब्रेक्स ने अप्लाई किया, हम ब्रेक्स ने तो पॉजिटिव वर्क डन किया ना, वो तो सानू लग रहा नैगेटिव है क्योंकि साड़ी जी एक्सप्रेशन नैगेटिव आई है, पर जो वर्क फाइंड किया जो ऑफर्ड बाय ब्रेक्स है वो पॉजिटिव होएगा हमेशा, जो असं लिखिए ऑफर्ड बाय ब्रेक्स, ऑफर्ड बाय ब्रेक्स वो कि अभी पॉजिटिव लिखना इन मैगनीट्यूड, इतने जो लिख दिए फोर्स ऑफ रजिस्टेंस उतने भी असं पॉजिटिव लिखा, फोर्स ऑफ रजिस्टेंस ही है। सो वर्क डन ऑफर्ड बाय ब्रेक्स फोर्स इन टू रजिस्टेंस पॉजिटिव लाओगे, जो तुम जोल च देखना जोल च देखना चाहते तो ओके आ, अदरवाइज तुम इनको जी के नाल डिवाइड कर दौ जिमें असं पहला डिस्कस कर रहे हैं वो तो आजगा की जी वेव के आजगा आंसर। हूँ असं करेंगे नैक्सट क्वेश्चन, मैनू लगता नीचे आ नहीं रहा कि मिसिंग आ, हाँ जी मिसिंग आ, वेट हाँ जी इसी माइनस 40 इंटू 225 सो दैन वर्क डन फाइंड किया ऑफर्ड बाय ब्रेक्स जिद नाल डिवाइड किया ये साडा आ गया आंसर। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर सैकेंड। हाँ जी की है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg टेक्स 2 सैकेंड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ जी सोल्यूशन, हाँ जी मास ऑफ बॉडी इज 5 kg, टाइम कितना लगता, टाइम 2 सेकेंड फॉल कर रहा, सो जू इज जीरो फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, सो जू इज जीरो, हाँ जी सो जू एस जू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर, सो एस बॉडी मास 5 kg टेक 2 सेकेंड, एस असी फाइंड करना वो असी सपोज कर लेने हैं, एस सपोज कर लो एच, सो एच जू इज जीरो प्लस हाफ एफ इज, क्योंकि असी वर्टिकली डाउन आ रहे हैं फॉल करते पे हैं, सो एफ इज जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी, टी स्केयर सो टी स्केयर इज 4 कैंसल कर दो, सो एच इज 2g, सो एच मिल गया मैं 2g, सो वैल्यू ऑफ एच इज 2g। इनू तुसी सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, वैल्यू 9.8 फुट कर सकते हैं, सो एच इज 2 × 9.8 मीटर, सो 9.8 वैल्यू पुट करो सिंपलीफाई करो वो तो आ जाएगा 19.6 मीटर। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करनी तो असी फार्मूले पहले पढ़ा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच, क्योंकि नीचे मूव करते पे एम जी एच, अपर जावे तो माइनस एम जी एच, मास इज 5, जी इज 9.8 एंड एच इज
19.6। सो इनू हम असी सिंपलीफाई कर लाँगे, ये साड़ा जिहड़ा आंसर आना वो जूल च आना, जूल च आ जूगा आंसर। जे असी 9.8 दे नाल डिवाइड कर दिए 5 × 19.6 वो साड़ा आ जाएगा के जी मीटर दे विच। सो तुसी इनू 5 दे नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो ताड़ा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा मे बी 98 आ जाए 98 के जी मीटर। यह आ जाएगा वर्क डन, तुसी जॉल च भी कर सकते हैं।